हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और चटपटी स्टोरीज। तो दोस्तों देखना ही रहेगा आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। इंटरनेट पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की कुछ ऐसी तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं जो उनके डेटिंग के दिनों की बताई जा रही है। इस तस्वीर में ऐश सलमान के साथ रिलैक्स होकर बैठी नजर आ रही हैं और उनके हाथ में चाय की कप है। यह एक तस्वीर भी उन दिनों की बताई जा है जब ऐश्वर्या और सलमान की नजदीकियों के काफी चर्चे थे। आगे पढ़िए, कब क्यों ऐश ने लिया सलमान से अलग होने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान और ऐश्वर्या में अफेयर 1997 में शुरू हुआ और तब सलमान पाकिस्तानी एक्ट्रेस सुमी अली को भी डेट कर रहे थे। कहते हैं कि सुमी को जब सलमान की लाइफ में ऐश्वर्या की एंट्री का पता चला तब वे उनसे अलग हो गईं। कहा जाता है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान और ऐश सीरियस रिलेशनशिप में थे। रिपोर्ट्स की माने तो उनका रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ा कि दोनों के बीच प्रॉब्लम शुरू हो गई। बताया जाता है कि अपने रिश्ते पर सलमान के शक की वजह इनके बीच प्रॉब्लम शुरू हुई। अफवाहें आने लगी कि दोनों के बीच रिश्ता काफी बिगड़ चुका था। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान के गाली गलौज और बुरे बर्ताव से तंग आ चुकी थी ऐश्वर्या। चर्चा है कि सलमान को इस बात का शक था कि ऐश का अफेयर शाहरुख से था और उन दिनों वे उनके साथ लगातार फिल्में कर रही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन सलमान फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंचे, जहां वे शूटिंग कर रही थीं। सूत्र के मुताबिक नशे में डूबे सलमान ने ऐश को जबरन उनके साथ चलने को कहा। इसे लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और कहा जाता है कि इसी घटना के बाद शाहरुख ने इस फिल्म में ऐश की जगह रानी मुखर्जी को लिया।